नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूँ फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूँ, उस कंपनी का नाम है मास्टेक लिमिटेड। और इस कंपनी में भी बड़ी खबर आई है, वो भी आपको बताऊंगा। उसके लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है और इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है, इस कंपनी को 12,000 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर इस कंपनी को यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिला है। इस ऑर्डर में ये कंपनी डिजिटल एंड आईटी प्रोफेशनल सर्विसेज फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगी। ये सर्विसेज ये कंपनी 4 साल तक प्रोवाइड करेगी। आगे बताता हूं आपको, इस खबर के आने के बाद आज इसमें 517 रूपये बढ़ गए थे और इसका शेयर 3,099 तक पहुंच गया था। एक साल पहले इसका शेयर 1786 का था और अब तो 2830 का है। एक साल में इसने लगभग डबल कर दिया है। सोचिए, अगर आपने इसमें एक साल पहले 1,00,000 रूपये लगाए होते तो आज आपके 2,00,000 रूपये हो चुके होते। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 1982 में बनी थी। ये कंपनी वर्टिकली फोकस्ड एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी पिछले 40 सालों से आईटी इंडस्ट्री में काम कर रही है। ये कंपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेक्टर में भी काम करती है। ये कंपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एप्लीकेशन मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, ईईआरपी एंड क्लाउड माइग्रेशन, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिस्ट, एगाइल कंसल्टिंग, एश्योरेंस एंड टेस्टिंग एंड डिजिटल कॉमर्स का काम करती है। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है और इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 32.4% सीएजीआर की प्रॉफिट ग्रोथ दी है। तो ये सब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताता हूं। इस कंपनी के प्रमोटर्स ने पिछले 3 सालों में 7.78% अपनी होल्डिंग कम की है। ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। चलिए अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी का मार्केट कैप 8,908 करोड़, पी रेशो 31.5, आरओई 19.9% और डेप्ट इक्विटी 0.28 है। इसके एमडी सीईओ मिस्टर अशांक देसाई हैं और ये कंपनी 1982 में बनी थी। आपको इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट बताता हूं, इसमें एफआईएस ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। दिसंबर 2022 में एफआईएस का स्टेक इसमें 13.25% था, फिर हर क्वार्टर में बढ़ने के बाद इसका शेयर एफआईएस का स्टेक इसमें बढ़कर दिसंबर 2023 में 14.10% हो गया है। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूं। इस कंपनी में रिटेल का 47.56%, प्रमोटर्स का 36.47%, एफआईएस का 14.10%, म्यूचुअल फंड्स का 1.61% और डीआईएस का 0.26% स्टेक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से एक बढ़िया कंपनी है, आपको इसका शेयर ले लेना चाहिए। हो सकता है कि ये कंपनी एक साल में आपके पैसे भी डबल से ज्यादा कर दे। तो इससे जुड़ी ये नई खबर आई थी, इसलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूं। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। और अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।